बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे और आदिल हुसैन की अपकमिंग फिल्म पास्ट का कुछ पार्ट इंटरनेट पर लीक हो चुका है, पर जब इस फिल्म की लीक के बारे में निर्देशक दिव्या घोसला कुमार से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, ये देखें। I think it's very upsetting, you know, that's what I'm saying. I haven't seen it, I'm sorry, but I heard about it, I read about it, and you know, I think her sare technicians itni mehnat karte hain, you know, jab scenes leak ho jate, it's completely wrong, unethical, sometimes edit table pe bhi editing is हिसाब से होती है कि कितने शॉट्स आते ही नहीं है सीन्स पे, तो कैसे उनका विजन था, मेकर्स का क्या विजन था और किस वे से वो ऑडियंस के पास पहुंचा, कितना गलत होकर पहुंचा, आई डोंट नो, यू नो, एंड डेफिनेटली नहीं होना चाहिए एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये सोचकर भी डर लगता है एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, कि आपकी फिल्म लीक हो जाए तो उसका क्या अफेक्ट होगा, बिकॉज आपका इतना सारा हार्ड वर्क, इट विल जस्ट गो डाउन द ड्रेन। सो प्लीज़ प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑडियंस नॉट टू वॉच लीक स्टफ ऑन द इंटरनेट। हाल ही में मुंबई में मसावा गुप्ता के न्यू स्टोर लॉन्च में उनके कई करीबी दोस्त जिनमें फराह खान, दिया मिर्जा, नीना गुप्ता और राधिका आप्टे मौजूद रहे। आनेस्ट रिपोर्ट।